हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदी भारती पेरेनियल कुकबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में पिछले लेक्चर में लेक्चर 21 में हम लोगों ने पॉइंटेड गार्ड के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था कि पेरेनियल कुकबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में तीन वेजिटेबल्स आती हैं, पॉइंटेड गार्ड, ईवी गार्ड और चोचो या चायोट जिसको बोलते हैं, शीजियम इड्यूल। तो जिसमें से एक क्रॉप को हम लोग लेक्चर 21 में डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंटेड गार्ड यानी परवल को, और इस लेक्चर में हम लोग दूसरी पेरेनियल जो है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है ईवी गार्ड या जिसे लिटिल गार्ड भी बोलते हैं और हिंदी में हम लोग कुंदरू के नाम से जानते हैं, है ना, कुंदरू। तो आज इसका जो है इस क्रॉप की जो है कल्टिवेशन प्रैक्टिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इसका टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुंदरू को जो है इंग्लिश में कॉमनली इसको ईवी गार्ड बोलते हैं या लिटिल गार्ड भी बोलते हैं। फैमिली कुकुबिटेसी है। बोटैनिकल नेम है इसका कोकिनिया ग्रैंडिस या कोकिनिया इंडिका भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर है इसका 24 और ओरिजिन है इसका ट्रॉपिकल रीजन, वो ट्रॉपिकल अफ्रीका भी है, ट्रॉपिकल एशिया भी है ना, इंडिया वाला रीजन, ये सब इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। यानी इसके वाइल्ड जो डाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो इसी रीजन में पाई जाती है। ईवी गार्ड और लिटिल गार्ड लोकली नोन एज कुंदरू, है ना। ईवी गार्ड और लिटिल गार्ड को हम लोग कुंदरू के नाम से जानते हैं। ये भी एक पेरेनियल कुकुरबिटेशियस है, बहुवर्षी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है। ये भी डायोशियस नेचर की है, परवल की ही तरह, पॉइंटेड गार्ड की तरह। ये भी डायोशियस सेक्स फॉर्म है, मीन्स मेल प्लांट दूसरा, फीमेल प्लांट दूसरा। और इसमें जो है इसमें भी पार्थिनोकार्पिकली फ्रूट सेट करने होने की प्रॉपर्टी होती है, मीन्स विदाउट मेल प्लांट, फीमेल प्लांट में जो फीमेल फ्लावर, मतलब प्लांट में जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है ना। तो ये इसकी एक खास बात है। इसका जो फ्लावर आता है इसके पौधे में वाइट कलर का होता है, बेल शेप का, और फ्रूट जनरली सिंगल होता है ना, क्लस्टर में नहीं आता, सिंगल फ्रूट होता है, स्मूथ होता है, एकदम चिकना होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है जब इमैच्योर होता है, और पक जाता है जब कुंदरू पूरी तरह से राइप हो जाता है तो वो रेड कलर में बदल जाता है, और जिस पर छोटे छोटे वाइट वाइट स्पॉट्स रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो जनरली हम लोग इसके इमैच्योर ग्रीन फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, राइप फ्रूट को नहीं। फ्रूट का जो शेप है वो वेरी करता है, ओवॉइड से इलिप्सॉइड यानी ओवल टू इलिप्टिकल उसका शेप होता है, और एवरेज जो फ्रूट की लेंथ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, एवरेज लेंथ। ये भी एक क्लाइंबिंग प्लांट है, पॉइंटेड गार्ड की तरह ये भी क्लाइंबिंग है, या दूसरी जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है उनकी तरह ये भी क्लाइंबिंग है, और इसके अंदर क्षमता होती है काफ़ी ऊंचाई तक क्लाइंब करने की, मतलब जब तक कि सपोर्ट मिलता जाएगा पौधा जो है काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट के सहारे बहुत ऊंचा जो है वो अच्छी खासी हाइट तक क्लाइंब कर जाता है। कभी कभी तो ये एक वीड की तरह भी ग्रो हो जाता है, क्योंकि पौधा बहुत विग्रस होता है, इसका एक पौधा भी ये इतना ज़्यादा विग्रस होता है, यानी इसकी जो जो इसका हर्बेज है या इसका जो शूट है, शूट सिस्टम है या ब्रांचिंग है, ये बहुत ज़्यादा घनी और बहुत ज़्यादा विग्रस होती है, जिससे कि कभी कभी ये वीड के तौर पर भी ये ग्रो हो जाता है ना। तो ये आप लोगों ने जनरली इसको ऐसा देखा होगा। इसका जो कल्टीवेशन होता है वो मेनली इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में किया जाता है, और अपने इंडिया में भी जो किया जाता है जहाँ पर कल्टीवेशन इसका, वो ईस्टर्न और साउथ इंडिया है ना, ईस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश की ये कमर्शियल क्रॉप है। इसकी फल के अलावा इसकी पत्ती और जो इसकी टेंडर मुलायम जो इसकी वो है डंठल है, मतलब डंठल मतलब स्टेम का जो एकदम एपिकल पार्ट है, टेंडर शूट्स हैं जो उस उनको हरी हरी स्टेम्स और पत्तियां, इसको भी कुक करके खाया जाता है कहीं कहीं पर, उसको भी एज अ जो है वेजिटेबल के तौर पे पका करके खाते हैं, है ना, इसको फ्राई भी करते हैं या बॉईल करके, है ना, उस तरह से, या चावल के साथ नूडल या सूप के साथ उसको, या सूप बना करके भी इसको जो है खाया जाता है, पत्ती और टेंडर शूट्स को, स्टेम्स को।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें कंज्यूम किया जाता है वो इसका इमेच्योर फ्रूट है ना, मैच्योर नहीं, मैच्योर और राइप तो रेड कलर में हो जाता है, इमेच्योर मतलब जब फ्रूट हरा रहता है तो इसको कंज्यूम किया जाता है, ज़्यादातर सलाद के तौर पे भी खाते हैं या पका करके भी खाते हैं, सब्जी बना करके। जूस भी इसका एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि जितनी भी कुकुबिटेशियस वेजिटेबल हैं इनमें ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एंटी डायबिटिक होती हैं, चाहे हम लोग लौकी का पढ़े हों, चाहे बिटर गार्ड पढ़े हों, है ना, अभी पॉइंटेड गार्ड पढ़ा था, तो ये जितना भी आप लोग देख रहे हो ये सब जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी, ये कॉमन है कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स में। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी की अगर कंसीडर करें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि बहुत हाई यील्ड देने वाली वैरायटी डेवलप नहीं है बहुत ज़्यादा, कुछ ही वैरायटी हैं, ज़्यादातर वैरायटी सब लोकल हैं, लेकिन कुछ वैरायटी हैं जो इंस्टीट्यूट से रिलीज्ड हैं, वो ये हैं जैसे कि सुलभ, सुलभ वैरायटी है, केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज्ड है ये। उसी तरह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV से रिलीज्ड वैरायटी है इंदिरा कुंदरू 5 और इंदिरा कुंदरू 35, ये तीन वैरायटी जो है नॉन इंस्टीट्यूट से रिलीज्ड है, अदरवाइज लोकल जो वैरायटीज़ जो हैं वो वही जो है ग्रो की जा रही हैं। कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट सॉइल कंडीशन इसको बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसे कि परवल के लिए चाहिए। चलिए एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि ईवी गार्ड इज़ अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट एंड थ्राइव्स वेल अंडर हॉट एंड मॉडरेटली हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हॉट हो और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट हो, छाया नहीं होनी चाहिए क्योंकि छाया में वेजिटेटिव ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। विंटर के महीने में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, यानी पौधे से पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती हैं तो पौधा डॉर्मेंसी में रहता है, कोई फ्रूटिंग नहीं होती है, और अदरवाइज जैसे ही विंटर सीजन ओवर होती है तो साल भर इसमें फ्रूटिंग लगातार होती रहती है, फरवरी मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक इसमें आपको फल इसके पौधे में मिलेंगे। कुंदरू एक ऐसा पौधा है जो लंबे समय तक फ्रूटिंग करता है, 9 से 10 महीने तो ये फ्रूटिंग इसमें बनी ही रहती है इसके पौधे में। और सॉइल कंडीशन इसको जो चाहिए वो वेल ड्रेन्ड हो, यानी जल भराव वाली मिट्टी ना हो, सैंडी लोम हो, फर्टाइल हो, वो इसके कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है ना। और साथ ही साथ अगर एफ वाई एम है जो सॉइल में तो ऑर्गेनिक मैटर है तो वो इसके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेलाइन, एल्कलाइन और सोडिक सॉइल इसके लिए भी सूटेबल नहीं है। जैसे कि पॉइंटेड गार्ड में हम लोगों ने क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन को डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वैसी ही क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन इसको भी चाहिए। नेक्स्ट प्रोपोगेशन एंड प्लांटिंग, प्रोपोगेशन इसको कैसे किया जाता है, इसको भी जो है वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है, सीड से हम इसका प्रोपोगेशन नहीं करते हैं, कमर्शियली नहीं करते हैं, हम कर सकते हैं पर कमर्शियली नहीं कर सकते, स्टेम से अगर हम प्रोपोगेट कटिंग से स्टेम कटिंग से अगर हम प्रोपोगेट करते हैं या वेजिटेटिव मेथड से करते हैं तो इसमें अर्ली फ्रूटिंग हमें मिलती है। तो पॉइंटेड गार्ड की तरह ईवी गार्ड को भी जो है हम इसके तने या स्टेम की इसकी कटिंग जो है से इसको जो है प्रोपोगेट करते हैं, और 25 से 30 सेंटीमीटर स्टेम की कटिंग हम लेते हैं और जो है वो हम डायरेक्टली फील्ड में प्लांट कर सकते हैं या नर्सरी भी कर सकते हैं। तो नर्सरी करने के बाद अगर हम प्लांट कर रहे हैं या डायरेक्टली प्लांट कर रहे हैं तो जो हम स्पेसिंग रखेंगे फील्ड में वो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 2-2 मीटर स्पेसिंग होगी। तो जो प्लांटिंग टाइम है वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फेब्रुअरी से लेके जुलाई तक आप कभी भी प्लांट कर सकते हैं, और साउथ इंडिया में मई जून या सितंबर अक्टूबर आप जो है इसको प्लांट कर सकते हैं, है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप इसको प्लांट कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें फ्रूट पार्थिनोकार्पिकली सेट होता है, यानी आप सिर्फ फीमेल प्लांट से जो कटिंग तैयार करेंगे फीमेल प्लांट से करेंगे और सिर्फ फीमेल प्लांट भी लगाएंगे तो आपका फ्रूट फ्रूट आएगा पौधे में, लेकिन फिर भी आप 100% फ्रूट सेट चाहते हैं पौधे में, क्योंकि जब आप व्यावसायिक स्तर पे खेती करेंगे कुंदरू की तो आप चाहेंगे कि आपके पौधे में हर फूल में 100% जो है फ्रूटिंग हो, तो उस चीज़ को एंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए आप हो सके तो उसमें बीच बीच में 10% जो है मेल प्लांट भी बीच बीच में पॉलिनेशन के लिए आप प्लांट कर दीजिए, तो फ्रूट सेट 100% जो है उसकी गारंटी रहती है। अदरवाइज वैसे नहीं भी करते हैं तो आपको जो है फ्रूट प्रोडक्शन होगा, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी इसमें पार्थिनोकार्पिकली फ्रूट डेवलपमेंट हो जाता है।
उसके बाद जो है एक बार आप प्लांटेशन कर देंगे तो 4 से 5 साल तक आप लगातार इसमें आपको यील्ड मिलेगी, मतलब फल का प्रोडक्शन होता रहेगा, है ना, समर और रेनी सीजन में लगातार। ठंडियों में नहीं होगा, ठंडियों में पौधा डोरमेंसी में चला जाएगा। और इसके पौधे को भी पॉइंटेड गार्ड की ही तरह बोवर या ट्रेलिस पर इसको जो है पंडाल विधि से इसको प्लांट करते हैं, जिससे कि फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो। ज़्यादातर लोकल लेवल पे आप देखिए तो जनरली लोग इसको फेंस पर या दीवारों पर किसी भी सपोर्ट पर चढ़ा देते हैं, तो उससे भी प्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब हम कमर्शियली करते हैं तो हम बेहतर हो कि पूरा बोवर सेट, फील्ड में पूरा बोवर सेट करते हैं, पंडाल बना करके उस पर ट्रेन करते हैं, तो हमें अच्छी खासी क्वांटिटी और ईल्ड हमें प्राप्त होती है। मैन्योर फर्टिलाइजेशन जो है वो है, जो है फील्ड प्रिपरेशन के दौरान FYM अप्लाई कर देते हैं, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब NPK जो है वो 60-40-40 के रेशियो में हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान अप्लाई करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन की हाफ डोज करेंगे और फॉस्फोरस पोटाश की फुल डोज करेंगे, है ना। उसके बाद जो है बाकी जो रिमेनिंग डोज है वो हम मंथली इंटरवल पर अप्लाई करेंगे। इरिगेशन जो हम करेंगे वो सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे अर्ली स्टेज में, ताकि कटिंग अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, है ना। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट, जैसी पौधे की रिक्वायरमेंट है उस अनुसार हम उसको इरिगेट करेंगे। समर्स का टाइम है तो हम जो है 10 या 12 दिन के इंटरवल पे करेंगे, विंटर्स का टाइम है तो हम लंबे समय के बाद करेंगे। लेकिन हाँ, सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे, पौधे में वाटर का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है चिलिंग इंजरी हो सकती है ना, तो क्योंकि पौधा डोरमेंसी में रहता है। तो और फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान तो इरिगेशन सॉइल में मतलब मॉइस्चर सफिशिएंट होना ही चाहिए, और एनी सीजन में इरिगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हार्वेस्टिंग और यील्ड की बात की जाए तो ईवी गार्ड को जो फ्रूट है वो लगातार प्लांटेशन के लगातार जो है मतलब जैसे ही आप प्लांट करते हैं तो 3 से 4 साल तक तो फ्रूटिंग करता ही करता है, और साल भर में भी, ऐसा नहीं है कम पीरियड के लिए करता है, 9 से 10 महीने तक, साल में 9 से 10 महीने तक इसके पौधे में लगातार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। बीच में गैप होगा तो वही विंटर्स के टाइम पर 1-2 महीने का जो है वो गैप होता है, और जो फल की तुड़ाई है, जो हार्वेस्टिंग है, वो 3 से 4 दिन के इंटरवल पर आपको लगातार फ्रूटिंग मिलेगा, मतलब 3 से 4 दिन के इंटरवल पर फ्रूट जो है वो तैयार होते रहते हैं। तो फ्रूट को जो हार्वेस्ट करेंगे उसमें ग्रीन होने चाहिए फ्रूट, टेंडर हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर ना हो गए हो, है ना। तो 10 से 12 हफ्ते बाद प्लांटिंग के फ्रूट का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, 10 से 12 हफ्ते, है ना। और थ्रू आउट द ईयर, साउथ और साउथ इंडिया में तो थ्रू आउट द ईयर होती है, मतलब पूरे साल के 12 महीने होती है, और नॉर्थ इंडिया में नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के बाद से ठंड पड़ने लगती है तो पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन फरवरी मार्च से फिर स्टार्ट हो जाता है। ईल्ड की अगर बात करें तो ईवी गार्ड में जो ईल्ड है वो जो है शुरुआत के साल में तो कम ईल्ड होती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ईल्ड नहीं मिलती, लेकिन जब पौधा पूरी तरह से वाइन डेवलप हो जाती है तो ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15 टन आप 1 हेक्टेयर से ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे से सारी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की हों, तो मतलब जो है इरिगेशन है, वीडिंग है या फर्टिलाइजेशन है, तो आपको 12 से 15 टन पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन मिल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आप पॉइंटेड गार्ड की ही तरह इसके भी कल्टीवेशन को समझिए, और बहुत ज़्यादा इसमें इसकी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इजी फ्रूटिंग है, वाइडली ये ग्रो करता है, तो बहुत ज़्यादा केयर मैनेजमेंट भी नहीं चाहिए। तो ये ईवी गार्ड का जो है कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा, जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चायोट के बारे में, लास्ट वो आपकी पेरेनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल होगी, है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।